हर साल मनाए जाने वाली होली मनाई क्यों जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते होंगे कि होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अब तक ये नहीं जानते होंगे कि आखिरकार होली मनाई क्यों जाती है। तो आज के इस खास वीडियो में हम आपसे होली के बारे में कुछ खास जानकारियाँ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं होली मनाई कब जाती है। भारतीय चंद्र कैलेंडर के अनुसार ही होली की तिथि तय की जाती है। पूर्णिमा की तिथि हर साल बदलती रहती है, कभी मार्च में पड़ती है तो कभी फरवरी के महीनों में पड़ती है, तो इसी के आधार पर होली की तारीख तय की जाती है। अब बात करते हैं होली कितने दिनों के लिए मनाई जाती है। तो होली दो दिनों के लिए मनाई जाती है। पहला दिन होता है होलिका दहन का और दूसरा दिन होता है रंगों के खेल का। दूसरा दिन रंगों के त्योहार से जाना जाता है, जिस दिन पानी से, रंग से, अलग अलग तरीके के गुलाल से होली खेली जाती है। फिर चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी लोग मिलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और होली की बधाइयां देते हैं। इस दिन घर में ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं जिसमें गुजिया खस्ता प्रमुख है। तो अब आइए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात की कि आखिरकार होली मनाई क्यों जाती है। होली मनाने के पीछे का कारण क्या है, ऐसी कौन सी मान्यता है जिसके वजह से हर साल पूरे देश भर में धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जाता है। एक समय में हिरण्यकश्यप नाम का राजा रहा करता था, जो कि एक दैत्य था जिसका पुत्र प्रहलाद था। आपको बता दें कि हिरण्यकश्यप जो था वो भगवान विष्णु से और सभी देवताओं से ईर्ष्या करता था। वो चाहता नहीं था कि कोई भी उसके राज्यपाट में भगवान की पूजा करे, वो चाहता था कि सभी लोग उसे ही ईश्वर माने। ऐसे में हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्ति में लीन हुआ करता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। अब जब हिरण्यकश्यप को ये बात पता चली तो वो अपने बेटे से ईर्ष्या करने लगा और अपनी बहन होलिका को ये आदेश दिया कि प्रहलाद को वो गोदी में लेकर बैठ जाए। हिरण्यकश्यप का इसके पीछे का मनसा ये था कि होलिका को ये वरदान था कि अग्नि उन्हें कभी नहीं जला सकती, तो इसी वजह से कहा यह गया कि अगर वो प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जाती हैं और आग जलाई जाती है तो प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएंगी। हिरण्यकश्यप की आज्ञा पर उनकी बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाती हैं और उसके बाद लकड़ियों में आग लगा दी जाती है। उसके बाद आग जलने लगता है और वहीं गोद में बैठे प्रहलाद भगवान विष्णु का जप करते रहते हैं। तभी अचानक से होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। उसी के बाद से हर साल होलिका दहन होली के त्योहार के रूप में मनाया जाता है और ये त्योहार अच्छाई का बुराई पर जीत को दर्शाता है, यानी कि धर्म का हमेशा जीत होता है और अधर्म का हमेशा विनाश होता है। इसलिए तभी से होली का त्योहार एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा और हर साल होलिका दहन होली के ठीक एक दिन पहले मनाया जाने लगा। होली की शुरुआत तभी होती है जब होलिका दहन हो जाता है, यानी कि शुभ मुहूर्त में होलिका को जला लिया जाता है। अगले दिन होलिका के जले हुए राख को भी इकट्ठा किया जाता है, इसे बेहद ही शुभ माना जाता है और होली का त्योहार अगले दिन शुरू होता है, जहाँ सभी लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल की बौछार करते हुए होली की शुभकामनाएं देते हैं और पूरा देश रंगों में डूबा नजर आता है। तो ये त्योहार प्यार का और बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है और इसीलिए हर साल इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।